आदाब नाजरीन, खबर है चंद्रान गुट्टा पीएस लिमिट गौस नगर से, जहां पर एक नौजवान जिसका नाम सैयद रहीम बताया जा रहा है और जिसकी उम्र 27 साल है, उन्होंने कल रात अपने ही घर पर सीलिंग फैन से लटककर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए शराब नोशी के बाद सैयद रहीम ने अपने भाई सैयद गौस को कॉल किया और उनसे ये कहा कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है, मगर वो शराब नोशी करे हुए थे। ये बात को मद्देनज़र रखते हुए उनके भाई ने इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मगर उसी रात सैयद रहीम ने अपने आप को सीलिंग फैन से लटकाकर खुदकुशी कर ली। दूसरे दिन सुबह जब इनकी माँ इनके कमरे में गई तो नज़ारा उनकी आँखों के सामने था, उसने उनकी माँ के रूह को तक झंझोड़ कर रख दिया। उनके जवान बेटा इनकी आँखों के सामने सीलिंग फैन से लटका हुआ था और वो अपना दम तोड़ चुका था। आजकल नौजवान नशे के आदी होकर नशे की हालत में ऐसे कदम उठा रहे हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं ना अपनी फैमिली के बारे में, जबकि नशा हराम चीज़ मानी जाती है। आज के माशरे में नशे को एक फैशन बना दिया गया है, जिससे दूर रहने की हिदायत आए दिन पुलिस अहदेदार देते रहते हैं और गांजा पीने वाले और नशीली दवा के आदि लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कत्लो गारतगिरी और ख़ुदकुशी आम होते जा रही है, लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मामूली समझ रहे हैं। बहरहाल इस सिलसिले में चंद्रान गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और सैयद रहीम की लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है पोस्टमार्टम की गर्ज से। ब्यूरो रिपोर्ट हैदराबाद दक्कन न्यूज़ के लिए, मैं जुनेद बामजदोस। क्या नाम है उनका? किस किसी से उनकी कोई काम कर रहे थे ना? नहीं रहता बस। तो गिरी का नाम क्या? पूछा दिया है लजी नगर। अच्छा, तो ये रात में कब बात की थी आपकी? अच्छा, तो आपके रिलेशन में क्या होना है? वो साथ में काम करते थे आपको? तो आपको फोन करने की वजह ना आपको बोल सता रहे थे क्या? मैंने अपने को डेली फोन करता था, डेली फोन करते थे, आज उन्होंने फोन करा था, फोन करके बोला था सीने में दर्द हो रहा था, था अभी लेके दर्द कर रहा हूँ, बोला खामोश हो जा करके बता दो। तो सुबह में कैसा मालूम आप लोगों को? हमने फोन करे ऐसा हुआ अभी? ठीक है।